2019 के चुनावों में पटखनी लगने के बाद कांग्रेस ने राजनीति में वापसी कर ली है। अब तक शांत रही सोनिया गांधी अचानक ही भाजपा को बैकफुट पर लाने की तैयारी कर चुकी हैं। लगातार गिरती अर्थव्यवस्था एवं बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 30 नवंबर को भारत बचाओ रैली का आयोजन किया है। यह प्रदर्शन हर राज्य में सरकार की नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए किया जा रहा है, जिससे कांग्रेस फ्रंट फुट पर आने की कोशिश करेगी। इस प्रदर्शन में राज्य एवं देश के सभी छोटे से बड़े नेता भी शामिल होंगे। हम आपको बता दें कि इस प्रदर्शन का ऐलान आधिकारिक रूप से कर दिया गया है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कर रही हैं। SPN 9 के लिए फरहानुद्दीन की रिपोर्ट।